हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीच में बोलता है थोड़ा। आज हम लोग आधुनी में आए हुए हैं, हमारा कव्वाली शो है और इंशाल्लाह आज रात को हमारा प्रोग्राम रहेगा। बहुत धूप है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इतनी धूप के आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुंबई वाले खास करके यहाँ पे ये चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे। और हमारे सब साथी साथ में हमारे चल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। अभी देखते हैं आगे का क्या है, देखते हैं आज क्या होता है। अल्लाह से दुआ कीजिए, सभी मोहतरमा बारगान से गुजारिश है। हाँ, सबकी दुआ रही तो इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल, अभी हम एडमिट होने वाले हैं। आज हम हैं आधुनी में, तो इंशाल्लाह आज का परफॉर्मेंस आप सबकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह अच्छा कर दें। अदनान नदीम नाजा नदीम अजीम ग्रुप का नाम है और हम अपना पूरा ग्रुप लेकर आए हुए हैं। बड़ी तो सदा से अब आपको हम मिलते हैं रात में। तो आप सब देख रहे हैं कि हम दुनिया आ चुके हैं। आज हमारा यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआ रही तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाएगा। दुआ करें हमारे आलम भाई है और हमारे ग्रुप के लोग, मेन सवाल हमारे अदनान अजीम नाजा साहब है। आज हम लोग आधुनी में हैं, दुआ करें आप सब हमारे लिए और इंशाल्लाह हम आपको हमारे छोटे छोटे ब्लॉग म्यूजिकल लाएंगे, जितनी भी बातें हैं आपसे हम बताएंगे। परेशान हो गए, एरिया में आगे बहुत धूप है, ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके लिए ज़्यादा दुआ करें। चलिए मिलते हैं रात को स्टेशन पर। आज हमारा सिलगुप्पा में प्रोग्राम है जी, दुआ की दरख्वास्त। और जितने भाई हमारे YouTube चैनल में हमारा ये वीडियो देखते हैं तो आप सब सब्सक्राइब करें, यार स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करें और हम सबके लिए दुआ भी करिए कि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो इंशाल्लाह। और पूरी पार्टी के लिए दुआ कीजिए कि हम लोग साथ में आमीन। पूरे पार्टी के साथ व्लॉग बनाओ। यो, एक नदी के पास मिलेंगे जो यहाँ पे करीब में है, हम नहाने जाएंगे। और देखिए, हम एक बहुत ही बेहतरीन इंसान को बम्बई से उठा के लाए हैं, ये है वो बेहतरीन इंसान जो 100 करोड़ का है। उम्र बीती जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारे सबसे मेन आर्टिस्ट। आई एम कीबोर्ड प्लेयर एंड आई एम ब्लॉगर। लेट्स गो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी पार्टी यहाँ पे अभी सामान उतार रही है। आइए आइए, धूप है, चलो अल्लाह हाफिज़। माय गॉड, गॉड इज माय लाइफ। हाय करो, हाय 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 गाइस, माय लाइफ, चलो गॉड अटैक, आई लव माय टीचर, टीचर इज माय लाइफ। तो देखिए अभी हम रूम तक पहुंच चुके हैं, प्रोग्राम थोड़ी दूर पर है। अभी हम लोग रात में आपको प्रोग्राम का वीडियो जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। इस ब्लॉग के साथ आपको प्रोग्राम का वीडियो भी मिलेगा। और ये रहा रूम हमारा, नदी के पास मिलते हैं नहाने के जाने के लिए। तो भाई लोग हम लोग जा रहे हैं नहाने, उम्र बीत जाती है। दोस्तों यहाँ पे मगरमच्छ बताया जा रहा है और हमको डराया जा रहा है। नहीं नहीं, उधर जो लोग, हम लोग इस नदी पर आए हैं नहाने, हम लोग यहाँ नहाने वाले और आज एंजॉय कर रहे हैं। एक तबले वाला कम हो गया, पहुँच कर मगरमच्छ नहाने जा रहे, मगरमच्छ सब रंग मिलेंगे इसमें। अयु भाई, इस गजल में सब रंग मिलेगा आपको। पहला शेर गजल का पढ़ने जा रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम। मैं
इस गांव में पहली बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी कोशिशों के बाद हमारे कमेटी मेंबरान हजरत आलम शाह कादरी, हजरत आलम बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कमेटी मेंबरान के वजह से हाजिर हुआ हूं। मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं। हमारे हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ कवाली ऑर्गेनाइजर जनाब HKGN मौला हुसैन चचा और हमारे देसाई एडवोकेट चेयरमैन साहब और बाशु मियां मुजावर साहब गोविंद दप्पा अन्ना साहब, इन सब की इजाजत लेते हुए इनका मैं शुक्र अदा करते हुए आगाज कर रहा हूं। और आप सब हाथ उठा के इजाजत दे दे, क्या इजाजत है? इमरान भाई और उनके हमनवाओं से इजाजत चाहूंगा, इजाजत है? सागर भाई हो जनाब और हमारे साहिबे किबला इनसे भी तवज्जो चाहूंगा, माफी चाहूंगा बड़ी देर में नाम लिया पर लिया। तू बड़ा बेनियाज है मौला, राज में भी तू राज है मौला, राज में भी तू राज है मौला। जनाबे मेरे वालिद जनाब अजीम नाजा साहब की दुआएं हैं और करम है गरीब नवाज का कि हर स्टेज पे लाज रखते हैं सरकार। और बेशक हमारे नसीब में था इधर का बुलावा जो हमें हजरत आलम बादशाह कादरी साहब ने बुला लिया, रहमतुल्लाह अलैह ने बुला लिया। तू बड़ा बेनियाज है मौला, राज में भी तू राज है मौला, अरे बख्श देता है मुजरिमों को भी ऐसा बंदा नवाज है मौला, ऐसा बंदा नवाज है मौला। हाजरी ने महफिल से और हमारे मौला चचा तमाम कमेटी के मेंबरान और साहिबे किबला इन चार मिस्रों पे आप सबसे तवज्जो का कहना है कि फटी टोपी सही लेकिन हो सर पे इज्जतों वाली, फटी टोपी सही लेकिन हो सर पे इज्जतों वाली, खुदाया सर पे मेरे जिल्लतों का ताज मत रखना,
ए मेरे फैले हुए दामन की बसी इल्तिजा सुन ले, जमाने में किसी का भी मुझे मोहताज मत रख। जमाने में किसी का भी मुझे मोहताज मत रखना। लीजिए चंद अशआर नाते रसूल के, समाप्त करें। जमाने में भाई क्वालिटी बना दो, इसकी क्वालिटी बना दो, इको डाल दो। नहीं आया मोहम्मद का कोई सानी, दो आलम पर बिछाई है मेरे आका की सुल्तानी। दो आलम पर बिछाई है मेरे आका की सुल्तानी, दो आलम पे बिछाई है मेरे आका की सुल्तानी। कहना है कि बड़े अदब से करीने की बात होती है, बड़े अदब से करीने की बात होती है, यहाँ पे रोज मदीने की बात। भाई पहले तो ये बता दे कि आशिकाने रसूल कितने बैठे। अल्लाह ने जिनको एक हाथ दिया वो एक हाथ उठाए, और जिनको दो हाथ दिया वो दो हाथ उठाए, और जब तक मैं बोलू ना तो हाथ नीचे ना उठे, हाथ उठा के रखें। कितने हैं? नारे रिसालत। आवाज ऐसी निकालो कि दुश्मनों के कान के पर्दे फट जाएं, आवाज ऐसी निकालो कि बारगाहें तैबा तक पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अदब से करीने की बात होती है, यहाँ पे रोज मदीने की। दो चार दीवाने हैं क्या बस हुजूर के, पूरी महफिल बोले। यहाँ पे रोज बड़े अदब से करीने की बात होती है, यहाँ पे रोज मदीने की। बेशक ये सरकार गरीब नवाज का करम है। क्या भाई लंगर विंगर नहीं खाया कि मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही? एक बार बावाज़े बुलंद बोल दो, बाकी मैं संभालूंगा। बड़े अदब से करीने की बात होती है, यहाँ पे रोज मदीने की। अरे वहां गुलाब महक जाते हैं अकीदत के, जहाँ नबी के पसीने की बात होती है। जहाँ नबी के पसीने की बात होती है। लीजिए वक्त को मद्देनजर रखते हुए नाते रसूल का मतलब पेश करने जा रहा होता हूँ। जो मोहम्मद का मर्तबा किस किस ने सुनाई है कैसी? अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा। इसको थोड़ा सा लाउड कर दो, हमारे भाई साउंड सिस्टम वाले भाई इसको लाउड कर दो।
ये तो जो चाहूंगा भाई सादा हो गया ये, इसको थोड़ा अच्छा कर दो। कोई क्या जाने क्या मर्तबा है, हेलो जैसा पहले था वैसा कर दो। कोई क्या जाने क्या मर्तबा है, अच्छा कर दो माइक को। कादरी की महफिल में हाजिर हूं, शाह आलम बादशाह कादरी साहिबे किबला आपसे भी तवज्जो चाहूंगा और जितने हमारे कमेटी के मेंबरान उनसे भी तवज्जो। सिराज भाई कहां है, हमारे सिराज भाई कमेटी के मेंबरान मेरे नबी सा कोई नहीं है। हेलो हेलो खुद भूखे रहे और जमाने को खिलाए, सो जाए अगर पानी तो खुद पंखा हिलाए।
रहा है इससे ज्यादा और चिल्लाऊंगा तो साउंड फट जाएगा। भाई खामोशी बना लो, इधर तवज्जो दे लो, क्योंकि कमेटी मेंबरान ने बहुत पैसे देके बुलाया है हमें, बहुत मेहनत करके बुलाया है। हुजूर पाक का सदका आया है, शुक्र अदा करता हूँ। पाकों में भी सर शुक्री के सजदों में झुकाए, उनसे भी तवज्जो का तलबगार हूँ। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, खुदा ने मोहम्मद से ये कहा, एक एक बंद पे बतौर खास तवज्जो चाहूंगा।
दे आशिक ने रसूल कितने हैं, अरे हाथ उठा दो, आशिक नबी नहीं हो वो मोहम्मद जिनकी उंगली चांद के टुकड़े का ले, वो मोहम्मद उसने जिनका फूल भी देखा दिए, जिनकी कमली पर हुआ का वाफिदा, वो मोहम्मद जिनकी कमली पर हुआ का, वो मोहम्मद जिनकी कमली पर हुआ का वाफिदा, वो मोहम्मद जिनकी कमली पर हुआ का, वो मोहम्मद जिनकी कमली पर हुआ का वाफिदा, वो मोहम्मद जिनकी है नालायक पाए अर्शी पर, वो मोहम्मद जिनकी है नालायक पाए अर्शी पर, वो मोहम्मद जो मसीहा बन के मुझे हुजूर पाक का सदका नवाजा, भाई नाम नहीं ले सकता हूं, माफी चाहूंगा। मदीना कौन कौन जाना चाहता है, और जो मदीना जाके आ चुके हैं वो नबी पाक की रोजे को
और जाली को तसव्वुर में रखें और ये शेर सुनें। आला बहुत ही शान है उनके मकान जरूर सुनते हैं अपने गुलाम की हमारे साहिब किबला से भी तवज्जो चाहूंगा। इमरान भाई समाप्त करें। आला बहुत ही शान है उनके मकाम की आका जरूर सुनते हैं अपने गुलाम की ले लो बलाएं तैबा में वो सुबह शाम की कलियां लुटाओ उन पे दुरूद और सलाम की के नाम की भाई नबियों के शाह अहमद मुख्तार के लिए इन चार मिस्रों पे तवज्जो चाहूंगा। चार मिस्रे और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है वो आमीन कह देना क्योंकि आखिरी मिसरा ऐसा देने जा रहा हूं कि पूरी महफिल तड़प उठेगी। नबियों के शाह अहमद मुख्तार के लिए नबियों के शाह अहमद मुख्तार के लिए। अरे मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूं यार मत करो तुम्हारे वजह से और भी बहकेंगे क्योंकि शैतान की अलामत होती है ये नात का अदब करो। नबियों के शाह अहमद मुख्तार के लिए हर शहर
खड़ी है बस मेरे सरकार के लिए। बादशाह को देखो चटाई पसंद है। इमरान भाई, अब आपने कहा था हमको हुसैन के नाना किस कदर पसंद है, अब मैं बता रहा हूं किस कदर पसंद है, कैसे पसंद है। सलेना हमको हुसैन के नाना किस कदर पसंद है, कैसे पसंद है। इश्क़ नबी में अश्क बहाना पसंद है, आंगन वो मदीने का सुहाना पसंद है, इस चीज में मैं साहिबे किबला से तवज्जो चाहूंगा। इश्क नबी में अश्क बहाना पसंद है, इश्क नबी में अश्क बहाना पसंद है, इश्क नबी में अश्क बहाना पसंद है, आंगन वो मदीने का सुहाना पसंद है, आंगन वो मदीने का सुहाना पसंद है, आंगन वो मदीने का सुहाना पसंद है, वो जन्नतुल बकी का ठिकाना पसंद है।
आशिकों को बस हुसैन के नाना पसंदी है। लीजिए नात रसूल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। किया है रब ने रोशन नूर से चेहरा है मुस्तफा, किया है रब ने रोशन नूर से चेहरा है मुस्तफा, किया है रब ने रोशन नूर से चेहरा है मुस्तफा, आलम कुर्बा है बस देख के चेहरा है मुस्तफा, आलम कुर्बा है बस देख के चेहरा है मुस्तफा, आलम कुर्बा है बस देख के चेहरा है मुस्तफा। इरादा कत्ल का लेकर के आए थे मगर देखो, उमर भी बोल दे बस देख के चेहरा है मुस्तफा, देखो भाई कवाली के रोल के हिसाब से गरीब नवाज गा देता हूँ पहले मैं। मन का बदे मौला अली की फरमाइश आई है। हरी हरी मिली।